हम लोग देखने जा रहे हैं सदिशों का योगफल, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी सदिशों को जोड़ा कैसे जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो वेक्टर होता है उसको आप स्केलर के तरीके से नहीं जोड़ सकते, यानी अदिश राशियां, जैसे आप 20 किलोग्राम आलू है और 15 किलोग्राम आलू है तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 25 किलोग्राम आलू। लेकिन आप तो कहीं पे 10 न्यूटन बल लगा है और 15 न्यूटन बल लगा है तो दोनों को जोड़ने के बाद 25 न्यूटन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसीलिए हम लोगों को सदिशों को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग तरीका खोजना पड़ेगा। तो ये सिंपल सी बात आपको पता है कि सदिशों का योगफल अदिशों के जैसा तो बिल्कुल नहीं होता। तो इसका जो है दो नियम होता है सदिशों का योगफल का, एक बोला जाता है त्रिभुज का नियम, एक होता है सदिशों के योग के त्रिभुज का नियम, और दूसरा होता है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम, जो यहां पे हम लोग देखेंगे समांतर चतुर्भुज का नियम। लेकिन आपको कुछ डायरेक्ट जो है सीधा सीधा आप तो जो है फार्मूला या सीधा नहीं बताने जा रहा हूं, आपको एक एग्जाम्पल से समझाएंगे कि आपको एकदम पूरा फील होगा कि हाँ ये यही होना चाहिए जो हम लोग योग करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नियम वगैरह नहीं देखेंगे, पहले एकदम शुरू से बेसिक से देखते हैं कि ये नियम जो है अपने आप आ गया कि कैसे आया है ये। तो एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये जानते हैं कि जो विस्थापन होता है, विस्थापन, ये विस्थापन सदिश राशि होती है। कैसी होती है, सदिश होती है, यानी इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, ठीक है। तो विस्थापन जो है, और विस्थापन हम लोगों को परिभाषित कैसे किया जाता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो है, अंतिम बिंदु को, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा होती है, रेखा की लंबाई, ये विस्थापन का परिमाण होता है। तो यानी विस्थापन अगर कहीं पे आता है तो विस्थापन का परिमाण होता है, और विस्थापन की जो दिशा होती है, और विस्थापन की दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। तो यहीं से अभी हम लोग जो है सदिशों का योगफल एकदम से सीख जाएंगे। जो विस्थापन हमारा जो परिभाषित किया जाता है कि अगर कोई आदमी यहां है और यहां से जो है चलना शुरू किया, उसने बहुत सारे ऐसे चलते 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 बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंच गया, तो जो विस्थापन हम लोगों का परिभाषित किया जाता है वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई ही क्या होती है, विस्थापन का परिमाण होता है। और ये जो दिशा होती है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की, और ये क्या है, प्रारंभिक बिंदु है, और ये हमारा क्या है, अंतिम बिंदु है। ये हमारा जो ए बी वेक्टर है, ये हमारा क्या हो गया, ये यहाँ पे विस्थापन हो गया। ये भौतिक विज्ञान में आप लोग पढ़ते हैं कि जो विस्थापन होता है सदिश होता है, और विस्थापन की जो दिशा होती है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई ही क्या होता है, विस्थापन होता है। तो इसी विस्थापन से हम लोग जो है अभी सदिशों के योगफल का नियम निकाल देंगे, ठीक है। तो विस्थापन, तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई जो है व्यक्ति है, इसने जो है जो है जो कोई व्यक्ति है बिंदु ए से बी तक वो विस्थापित हुआ, बिंदु ए से बी तक, यानी विस्थापन कहां से कहां हुआ, शुरुआत में कहां पे था, ए पे, और बाद में कहां चला गया, बी पे, यानी ए से बी तक गया, ठीक है। अब फिर क्या करता है, बी से फिर एक बिंदु सी तक जाता है,
अब वो क्या करता है, बी से एक बिंदु सी तक जाता है, तो दूसरा विस्थापन इसका क्या हो गया, बी से सी तक, यानी जो है हमारा ए जो है विस्थापन जो हुआ दो स्टेप में हुआ, जो विस्थापन क्या हुआ, एक विस्थापन है क्या ए बी और दूसरा विस्थापन क्या है बी सी, ठीक है, यानी जो व्यक्ति है वो ए से बी तक गया पहला विस्थापन, फिर बी से सी गया दूसरा विस्थापन, और आप चाहते क्या हैं, दोनों विस्थापनों का योग यानी ए बी वेक्टर और प्लस बी सी वेक्टर का योग चाहते हैं, यानी दोनों विस्थापनों को जोड़ने के बाद हमारा क्या विस्थापन हुआ, ये हमारा विस्थापन ए बी हो गया, ये हमारा विस्थापन बी सी हो गया। तो हम लोग जानते हैं प्रारंभिक बिंदु एकदम शुरू में यहाँ पे था और एकदम फाइनल में यहाँ पे था, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को जब हम लोग मिला देंगे तो ये जो रेखा की लंबाई होगी यही हमारा क्या होगा, विस्थापन का परिमाण होगा, और जो दिशा होगी वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होगी। तो ए बी और बी सी का जो योगफल हमारा आ गया सीधा सीधा क्या होगा, ए सी, यानी एक बिंदु यहां से यहां तक गया एक विस्थापन किया, फिर अगला विस्थापन बी से सी तक गया, तो अगर पूछा जाए आपका कि टोटल विस्थापन यानी ए बी विस्थापन प्लस बी सी विस्थापन का योग क्या होगा, तो यह हमारा क्या होगा, ए सी विस्थापन। तो यही जो है हमारा सदिशों के योग के त्रिभुज का नियम है कि अगर हमारे दो सदिश हमारे त्रिभुज की भुजाओं द्वारा निरूपित किए जाएं, यानी दो सदिश हमारे त्रिभुज की भुजाओं द्वारा निरूपित किए जाएं और दोनों का सेंस जो है एक ही हो, ये देखिए जो है ये घड़ी की विपरीत दिशा में ये भी जा रहा है और ये भी घड़ी की विपरीत दिशा में, तो इनका योगफल हमारा क्या होता है, ये तीसरी भुजा होती है लंबाई में जो परिमाण होगा, तीसरी भुजा की लंबाई और दिशा क्या होती है, इन दोनों के अपोजिट, यानी ये दोनों घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहे हैं और ये घड़ी की दिशा में जा रहा है। तो ये हमारा सदिशों के योग के त्रिभुज का नियम होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम एक ही है, लेकिन सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का नियम समझ लेते हैं। तो पहला हमारा क्या हो गया, सदिशों के योग के त्रिभुज का नियम, सदिशों के योग के त्रिभुज का नियम, सदिशों के योग के त्रिभुज का नियम। तो ये कहना क्या है इसका, कि अगर हम लोग जो है दो सदिश जो है त्रिभुज की भुजाएं निरूपित कर रहे हो और दोनों का जो है, दोनों का हमारा जो है ये जो सेंस है, सेंस ऑफ रोटेशन इसको बोलते हैं, ये सेम हो, ये हमारा हो गया ए बी वेक्टर और ये हमारा हो गया बी सी वेक्टर। अच्छा ये देखिए ए बी वेक्टर हमारा किस दिशा में जा रहा है, ये घड़ी की विपरीत दिशा में, और बी सी वेक्टर भी हमारा क्या जा रहा है, ये घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इन दोनों का जो योग होता है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई इसका परिमाण होता है और दिशा हमारा क्या होता है, ए से सी की ओर, यही हमारा क्या है, सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम। तो इसको हम लोग एक लाइन लिख लेते हैं कि यदि दो सदिश क्रमशः त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित कर रहे हो निरूपित करते हो, ठीक है, और निरूपित कैसे करना चाहिए, यदि दो सदिश क्रमशः त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करते हो, और ये किस क्या होना चाहिए, समान सेंस में, ठीक है, समान सेंस का मतलब समझ रहा है क्या, समझ रहे हैं कि जो है हम लोग समझ रहे हैं कि क्लॉकवाइज अगर है तो क्लॉकवाइज, तो यहां पे जो ए बी हमारा है ये भी है और बी सी हमारा दोनों क्या है, ये घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है,
ये दो सदिश क्रमशः त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं समान सेंस में, यानी दोनों का जो सेंस ऑफ रोटेशन होना चाहिए, जो चक्कर वो एक ही होना चाहिए। देखिए ए बी जिधर जा रहा है बी सी भी उधर ही जा रहा है, तो उन दोनों सदिशों का योग, उन दोनों सदिशों का योग, उन दोनों सदिशों का योग क्या होता है, त्रिभुज की तीसरी तीसरी भुजा द्वारा निरूपित किया जाता है, और ये जो तीसरी भुजा द्वारा निरूपित किया जाता है इसका जो सेंस होगा वो विपरीत होगा, विपरीत सेंस ऑफ रोटेशन में। तो ये एक बार समझना है कि अगर जो है त्रिभुज सदिशों के योग के त्रिभुज का नियम है कि अगर आपका दो सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित कर रहा है और दोनों क्या होने चाहिए समान सेंस में, यानी अगर घड़ी क्लॉकवाइज रोटेशन दोनों का जा रहा है, ऐसा नहीं कि ए बी ये है और बी सी ये हो जाए, ऐसा नहीं है कि ए बी हमारा ये है और ये अगला हमारा ये है, तो इन दोनों का क्या है अपोजिट सेंस है। देखिए ये घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है और ये घड़ी की दिशा में जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो तीसरी भुजा हमारा जो उनका दोनों का योग होता है वो क्या होता है, तीसरी भुजा द्वारा निरूपित किया जाता है और उसकी जो दिशा होती है वो उन दोनों के अपोजिट सेंस में होती है, यानी ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ये हमारा सीधा सीधा सदिशों के योग के त्रिभुज का नियम है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ये पॉइंट हो गया हम लोगों का। अब हम लोग जानते हैं जो ए सी वेक्टर है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस सी ए वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां अगर ए सी की जगह हम लोग माइनस सी ए रख दें तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस सी ए, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसका क्या हो जाएगा हमारा जीरो, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर जीरो। यानी अगर हमारे तीन सदिश त्रिभुज की तीन भुजाओं द्वारा निरूपित हैं और तीनों का जो है सेंस ऑफ रोटेशन एक ही है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देखिए हमारा क्या है, ये ए बी हो गया, ये हमारा हो गया ए बी, ये हमारा हो गया बी सी, और ये हमारा क्या हो गया सी ए। तो इन तीनों का योग क्या होगा, जीरो होगा, यानी तीनों, क्योंकि जो है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि सबसे प्रारंभिक बिंदु क्या है ए और अंत में कहाँ पे पहुंचे, यही पे, तो इसको भी हम लोग ए ए वेक्टर से भी निरूपित कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया। तो सीधा सीधा सदिशों के योग के त्रिभुज का क्या नियम है कि अगर दो भुजाएं समान सेंस में त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा निरूपित कर रहे हो दो सदिश, तो उनका योग क्या होता है, त्रिभुज की तीसरी भुजा होती है और जिसका जो है डायरेक्शन दिशा क्या होती है, उन दोनों के अपोजिट सेंस में डायरेक्शन होता है। अगर वो दोनों जो है क्लॉक वाइज है तो वो क्या होगा, एंटी क्लॉक वाइज होगा। तो ये हो गया योग के त्रिभुज का नियम। अब एक चीज हम लोग जो है सिंपली जो है लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करें और इसको वेक्टर बी से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए ए सी। पहला पॉइंट हो गया हम लोगों का। अब हम लोग जानते हैं कि ये वेक्टर अगर हमारा कोई ए है, कोई वेक्टर ए है, तो इसी की लंबाई के बराबर इसके विपरीत दिशा में हम लोग वेक्टर खींचते, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइनस ए वेक्टर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग एक वेक्टर हमारे पास ए है और एक वेक्टर हमारे पास बी है, तो इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ा तो ये क्या हो गया, हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया, ये हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब अगर हम लोग ये निकालना चाहते हैं, वो वेक्टर ए से वेक्टर बी को घटाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करें, वेक्टर ए में
माइनस ऑफ वेक्टर बी को अगर हम लोग जोड़ दें तो यही हमारा क्या होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। यानी वेक्टर ए से वेक्टर बी को घटाना है तो वेक्टर ए में हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस वेक्टर बी। यानी तो वेक्टर बी हमारा ये है तो माइनस वेक्टर बी हम लोग ये कर सकते हैं कि बी के बराबर लंबाई का और बी के जस्ट अपोजिट दिशा में हम लोग खेल दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर बी। अब देखिए इस त्रिभुज में हम लोग देखें तो ये हमारा क्या है, ये दोनों क्लॉकवाइज दोनों वेक्टर जा रहे हैं तो ये जो हमारा इनका योग होगा ये हमारा वेक्टर ये हो जाएगा और इसका सेंस क्या है देखिए उन दोनों के अपोजिट, तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। यानी वेक्टर को जोड़ना और घटाना दोनों सेम होता है, बस हम लोग क्या करते हैं वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ना है, ठीक है, तो ये हमारा ए प्लस बी हो गया और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मतलब कि वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी हम लोग जोड़ दें। तो एक पॉइंट ये भी हो गया हम लोगों का कि वेक्टर के घटाने का मतलब क्या होता है, कि किसी भी वेक्टर में किसी भी वेक्टर को घटाने का मतलब कि उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हम लोग क्या करें, जोड़ दें। और एक पॉइंट इसमें यह भी है कि हम लोग जानते हैं कि मैथ्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फ्री वेक्टर पढ़ते हैं, स्वतंत्र वेक्टर, फ्री वेक्टर, स्वतंत्र वेक्टर। और स्वतंत्र वेक्टर का हम लोग, स्वतंत्र सदिश का मतलब क्या होता है कि हम लोग उसको उसी के समांतर कहीं पर भी जो है उसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो अगर आपका एक वेक्टर ए यहां पे है और सपोज आपका एक वेक्टर बी यहां पे है और इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे वेक्टर बी को उसी के समांतर प्रतिस्थापित इस हिसाब से करेंगे कि इसका जो प्रारंभिक बिंदु हो जाए ए के अंतिम बिंदु पर आ जाए। तो इसको जोड़ने के लिए, क्योंकि फ्री वेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो फ्री वेक्टर में किसी भी वेक्टर को हम लोग समांतर बिना उसकी लंबाई और दिशा बदले उसको समांतर जो है कहीं पर भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। बस क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए और लंबाई वही होनी चाहिए, दिशा भी नहीं बदलनी चाहिए। तो इस वेक्टर बी को हम लोग इस हिसाब से प्रतिस्थापित करते हैं समांतर कि लाके इसका वेक्टर बी का प्रारंभिक बिंदु हमारा क्या हो जाए, वेक्टर ए के अंतिम बिंदु पे आ जाए। तो इससे हम लोग जो है ये हम लोगों ने देखिए क्या कर दिया, वेक्टर बी को यहाँ ले आए, वेक्टर बी का प्रारंभिक बिंदु हो गया वेक्टर ए के अंतिम बिंदु पर और इन दोनों का जो योग होगा वो हमारा क्या होगा, ये तीसरी भुजा हो जाएगी जो इन दोनों के अपोजिट सेंस में होगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इससे हम लोग क्या होगा कि दो वेक्टर जब जोड़ेंगे तो आपको हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा कि ये वेक्टर ए के जो है जो त्रिभुज के हमेशा दो भुजाएं निरूपित करें और आप कहें कि इन दोनों का योग जो है हमारा क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया। तो अगर दूसरा वेक्टर अगर कहीं अलग जगह पे भी है तो उसके समांतर हम लोग लाके उसकी बिना दिशा और लंबाई बदले उसके समांतर प्रतिस्थापित इस हिसाब से करेंगे कि पहले वेक्टर के जो है अंतिम बिंदु पे दूसरे वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु हो जाए। तो इसमें भी एक लाइन हम लोग ये लिख लेंगे कि दो सदिश को जोड़ने के लिए, दो सदिश को जोड़ने के लिए हम दूसरे सदिश को उसी सदिश के समांतर दिशा और परिमाण को बिना बदले इस हिसाब से प्रतिस्थापित करते हैं, समांतर ही होना चाहिए और दिशा और परिमाण भी नहीं बदलना चाहिए, इस हिसाब से प्रतिस्थापित करते हैं कि दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु पहले सदिश के
अंतिम बिंदु से संपाती हो जाए, से संपाती हो जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज का नियम लगा के जोड़ देते हैं। तो ये दूसरी बात हो गई कि अगर आपको दो स्वतंत्र सदिश जोड़ने हैं तो दूसरे सदिश को उसी सदिश के समांतर इस हिसाब से प्रतिस्थापित करें बिना दिशा और परिमाण बदले कि उसके दूसरे सदिश का जो प्रारंभिक बिंदु है पहले सदिश के अंतिम बिंदु के संपाती हो जाए, और फिर त्रिभुज के योग के नियम से आप उन दोनों का सम निकाल लेंगे। तो ये हमारा त्रिभुज का नियम हो गया। अब त्रिभुज के नियम की जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ती है, जब ये हम लोग जो है विस्थापन वगैरह अगर कहीं पे हम लोग जो अगर निकालना चाहते हैं तो त्रिभुज के इसका जो है त्रिभुज का योग निकलता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं हम लोग ये ए से बी विस्थापित हुआ और बी से सी विस्थापित हुआ, तो कोई हम लोगों को पूछ सकता है कि जो कुल विस्थापन ए बी प्लस बी सी, ये हमारा क्या है, कुल विस्थापन क्या होगा। तो इसके लिए हम लोगों के त्रिभुज का नियम होगा और ये होगा ए सी, ये ए सी, तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ये हमारा हो गया। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है हमारा कि दो सदिश जो इस हिसाब से होते हैं कि उनका प्रारंभिक बिंदु सेम होता है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग समांतर चतुर्भुज का नियम लगाएंगे। तो हेडिंग पहले लिख देता हूं, सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज का नियम। सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज का नियम, ला ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। और जब आप ये नियम देख लेंगे तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों नियम अलग अलग है ही नहीं, दोनों को बस अलग अलग नियम से पढ़ा जाता है, दोनों एक ही नियम यानी त्रिभुज का नियम जो योग का है और समांतर चतुर्भुज का एक ही है। अब यहाँ पे क्या जरूरत पड़ती है, हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा कोई किसी भी वस्तु पर, कोई भी वस्तु है, इस पर एक बल ये लगा है, इसको हम लोग मान लेते हैं वेक्टर ए, और इस पर एक बल हमारा ये लगा है वेक्टर बी, ठीक है। ये आप कोई समझिए कि एक आदमी इसको ये इतने लंबाई का जो स्ट्रेंथ है उससे इधर खींच रहा है और बी लंबाई के स्ट्रेंथ से इधर खींच रहा है, और कोई भी वस्तु जो है यहाँ पे रस्सी बंधी है, तो ये वस्तु ए वाले की दिशा में जाएगी कि बी वाले की दिशा में जाएगी, ना ए वाले की दिशा में पूरी पूरी जाएगी ना बी वाले की, कहीं ये बीच में जाएगा, ये अगर ये इधर खींच रहा है या इधर, तो इन दोनों के बीच में किसी दिशा में जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का योग निकालने के लिए दो वेक्टर का हम लोग क्या करते हैं, ये जो वेक्टर ए है इसके समांतर यहाँ से एक रेखा जो है कर लेते हैं, ये समांतर ए के समांतर, और यहाँ से हम लोग जो है बी के समांतर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। समझ में आ रहा है, यानी अगर हम लोगों का ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, अच्छा हम लोग जो है नामकरण उसी हिसाब से रखें जैसे आपका एनसीईआरटी बुक में है, क्योंकि आपको ज़्यादा समझ में आया कि अगर कभी आप बुक पढ़ें तो ओ है ये हमारा, ये बिंदु हमारा ए है, ठीक है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये हमारा बिंदु क्या हम लोगों ने माना ए, और ये हम लोगों ने माना बी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ओ ए और ओ बी वेक्टर को जोड़ना है, तो हम लोगों ने क्या किया, जो है ओ बी के समांतर एक यहाँ से ए सी खींचा, और ओ ए के समांतर बी से क्या किया हम लोगों ने, बी सी खींचा, यानी ओ ए बी सी हम लोगों ने क्या कर लिया, समांतर चतुर्भुज कंप्लीट कर लिया। तो नियम ये कहता है कि जो ओ ए और ओ बी का जो सम होगा ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और दिशा में ये समांतर चतुर्भुज के ये विकर्ण द्वारा ही निरूपित किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक लाइन हम लोग लिख लेते हैं कि ओ ए हमारा क्या है, जो ओ ए वेक्टर है हमारा वेक्टर ए है, और ओ बी हमारा क्या है वेक्टर बी है, इन दोनों को हमको योग निकालना है, यानी ओ ए प्लस ओ बी का मान हमको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे,
बिंदु बी से हम लोग क्या करेंगे, ओए के समांतर जो है, यानी इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, ओए बीसी को पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बीसी समांतर, इसमें एक लाइन लिख देंगे कि बीसी समांतर ओए, और हम लोगों ने एसी समांतर ओबी खींचा, एसी समांतर ओबी खींचा, ठीक है, क्योंकि यहां से जो बी से हम लोगों ने इसके समांतर खींचा और यहां से जो है इसके समांतर, तो ये बिंदु सी पे जो दोनों बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, जो दोनों हमने समांतर खींचा तो ये क्या है, ये दोनों सी पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी इसको ऐसे भी हम लोग बोल लेते हैं कि ओ ए सी बी समांतर चतुर्भुज जो है हम लोगों ने पूरा किया। आपने क्या बना लिया, समांतर चतुर्भुज पूरा किया, कि समांतर चतुर्भुज की दो जो है संलग्न भुजाएं ओ ए ओ बी हो गई और समांतर चतुर्भुज पूरा किया। तो हमारा जो नियम कहता है ओ ए प्लस ओ बी जो वेक्टर होगा इनका सम हमारा क्या होगा, ओ सी होगा। तो ये नियम ये कहता है कि यदि जो है दो सदिश जो है समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित हो, संलग्न का मतलब कि दोनों जुड़ी हैं, जैसे ये भुजा है और ये भुजा है, ये संलग्न नहीं है, ये अलग अलग है। तो यदि दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित हों तो उन दोनों का योग परिमाण और दिशा में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित किया जाता है। और कौन से विकर्ण द्वारा, जो ओए दोनों वेक्टर के जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, संपाती हो। तो इसको हम लोग नियम लिख लेते हैं, यदि दो सदिश परिमाण और दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजा द्वारा निरूपित किया जाए, जिनका प्रारंभिक बिंदु संपाती हो, यानी प्रारंभिक बिंदु दोनों का एक है, दोनों वेक्टर का, और दोनों परिमाण और दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित किए जा रहे हैं। ये दो सदिश परिमाण और दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए, जिनका प्रारंभिक बिंदु संपाती हो, तो उन दोनों का योग, तो उन दोनों सदिशों का योग, सदिशों का योग परिमाण और दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित किया जाता है, उस विकर्ण द्वारा निरूपित किया जाता है जिसका प्रारंभिक बिंदु दोनों के संपाती है। यानी समझ रहे हैं कि दो विकर्ण हो सकते हैं ना समांतर चतुर्भुज के, एक विकर्ण ये भी हो सकता है, तो ये नहीं निरूपित करेगा। हमारा कौन सा विकर्ण निरूपित करेगा परिमाण और दिशा में, जिसका प्रारंभिक बिंदु हमारा क्या होगा, उन्हीं दोनों वेक्टर के संपाती होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज का नियम। तो सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज का नियम सिंपल क्या कहता है, कि अगर दो सदिश हैं और दोनों को प्रारंभिक बिंदु हमारा अगर सेम है, ठीक है, तो अगर दोनों का योग निकालना है तो आप क्या करें, इन दोनों को मिला के आप समांतर चतुर्भुज कंप्लीट कर लिए, और जो समांतर चतुर्भुज का वो विकर्ण जो दोनों भुजाओं के साथ जिसका प्रारंभिक बिंदु जो है संपाती है, वही विकर्ण आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग हो जाएगा, यानी ओ ए प्लस ओ बी इक्वल टू
ओसी। परिमाण भी यही जो डायगोनल होगा, जो विकर्ण की लंबाई जो है उसका परिमाण होगा और दिशा ओ से सी की ओर होगी। ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू ओ सी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम। अब आपको एक पॉइंट ये दिखा दे रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज का नियम और त्रिभुज का नियम एक ही होता है। देखिए कैसे, ये फिर से बना लेते हैं। चलिए चलिए त्रिभुज के नियम से हम लोग समांतर चतुर्भुज का नियम दिखा लेते हैं कि एक ही है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा जो है, ये हमारा कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और यहाँ से हम लोगों का कोई वेक्टर बी है। क्लियर, तो त्रिभुजों के योग का नियम क्या कहता है, जो हमारा इन दोनों का योग होगा ये हमारा क्या होगा, ये त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा निरूपित किया जाएगा और जिसका सेंस क्या होगा, दोनों वेक्टर के अपोजिट सेंस में होगा। तो ये देखिए कैसे जा रहा है, घड़ी की दिशा में घूमना चाहती है और ये दोनों घड़ी के विपरीत दिशा में वेक्टर घूमना चाहते हैं। अब ये हो गया, यानी ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब हम लोग एक बिंदु जानते हैं कि वेक्टर बी को, वेक्टर बी हम लोग फ्री वेक्टर पढ़ रहे हैं मैथ में, तो उसको जो है बिना उसकी लंबाई और दिशा बदले उसके पर उसको जो है प्रतिस्थापित किया जाता है उसी के समांतर। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या बना लिया, यहाँ पे वेक्टर बी को उठा के हम लोगों ने वेक्टर बी को हम लोगों ने क्या किया है, ना इसका दिशा बदला है और ना मैग्नीट्यूड बदला, बस उसी के समांतर लाके हम लोगों ने यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब वेक्टर ए दिस वेक्टर और दिस वेक्टर, यहाँ से हम लोग इसको आगे बढ़ा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और इन वेक्टर ए और बी का योग क्या हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज का विकर्ण हो जाएगा। यानी देखिए ए और बी वेक्टर का योग त्रिभुज के नियम से हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, ए प्लस बी, और जब इस बी वेक्टर को हम लोग उसके समांतर उठा के ला के यहाँ करते हैं और उसके बाद यहाँ से इसको मिलाते हैं तो ये समांतर चतुर्भुज कंप्लीट हो जाता है। और ये समांतर चतुर्भुज का हमारा क्या हो जाता है, विकर्ण हो जाता है। यानी ये समांतर चतुर्भुज के नियम से इस वेक्टर बी और इस वेक्टर ए का योगफल क्या होगा, हमारा ए प्लस बी होगा। तो यानी हमारा ये जो समांतर चतुर्भुज का